विधानसभा चुनाव जल्द आने वाला है, ऐसे समय में जनता क्या सोचती है, गांव के आम लोग क्या सोचते हैं, गांव के युवा क्या सोचते हैं, इसके साथ ही शहर का शिक्षित वर्ग क्या सोचता है, यही जानने के लिए मेरी समय मौजूदगी है मऊ जनपद के जिला स्टेडियम में, जहां पर आधी आबादी है। यहां पर केवल आप देखेंगे तो लड़कियां तैयारी कर रही हैं, तो ये मेरे मऊ के विकास का एक पर्याय है कि मऊ आज यहाँ पर पहुँच गया है कि यहाँ पर भारी संख्या में लड़कियाँ भी स्टेडियम में उपस्थित हैं, तो यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन इनको क्या सुविधाएँ मिलती हैं, देश की राजनीति और यूपी की राजनीति को लेकर के क्या सोचती हैं, इनसे सीधे बात किया जाएगा। अब भगवत यहाँ आ रहे, भग भग क्यों, इधर आ जाओ, आ जाए, अच्छा आज इधर आइए। क्या नाम है आपका? दृष्टि सिंह। दृष्टि सिंह किस क्लास में पढ़ती हैं? बीएफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में है, तब तो वोटर हो ही जाएंगी जल्द। हाँ हूँ, इस साल 19 साल हो गया। वोट देना है इस बार? हाँ देना है। कैसी सरकार चाहते हैं? अच्छी सरकार चाहते हैं। हम तो बीजेपी के ही हैं, तो बीजेपी को ही वोट देंगे। मतलब क्यों बीजेपी के हैं, कोई वजह? हाँ बहुत सारी ऐसी वजह है, जैसे राम फैसला, मतलब सबके लिए ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, मतलब हमारी कंट्रीज के बारे में सोचते हैं, ना कि सिर्फ अपने लिए वो लोग सोचते हैं। एकदम ठीक है। और हम बात, आप बीजेपी क्यों पसंद है आपको? क्योंकि मतलब ये सबके लिए, कंट्रीज के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी ये नहीं कर रही है, वैकेंसी नहीं निकाल रही है, एजुकेशन लेवल गिरा दी है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि बीजेपी की वजह से एजुकेशन लेवल गिरा है, क्योंकि वो तो और ज़्यादा एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। जैसे अब नकल नहीं हो रहा है बहुत जगह, मतलब स्टूडेंट को अब जो पढ़ेंगे वही पास होंगे बीजेपी राज में। सब लोग ये चाहता है कि मुलायम की सरकार आए ताकि मुझे पूरा फुल नकल मिले क्लास में एग्जाम के टाइम में लिखने के लिए, इसलिए सोचते हैं। और ये लोग कहते हैं कि वैकेंसी नहीं निकाल रही है, वैकेंसी कहाँ से निकालेगी, जब सीट खाली रहेंगे तभी तो गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी, बस वैकेंसी निकाल दे और भर्ती किसी की कराए ही ना। सीट नहीं खाली है क्या आपको लगता है? सीट तो खाली भी है, लेकिन इस साल लेडीजों के लिए बहुत ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट की है, क्योंकि 2016 से आप देख लीजिए कि बीजेपी ही लेडीज़ों के लिए वैकेंसी निकाली है, और अदर्स मतलब उस समय जो थी तो बहुत सारी वैकेंसीज नहीं आई थी लेडीज़ों के लिए, और जीडी में वो 10% लेडीज़ों को छूट भी दी है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कुछ खराब है। अच्छा, खराब जैसे है। राम मंदिर का फैसला, बहुत सारे ऐसे काम किए है वो। राम मंदिर आपके लिए क्यों मुद्दा है? अच्छा बन गया राम मंदिर। हाँ तो बीजेपी बनवाई या सुप्रीम कोर्ट बनवाई? सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसका हाथ तो है बीजेपी। अच्छा, हाँ गवर्नमेंट के वजह से ही तो हुआ है, और अच्छा, उनके राज्य में ही उसका फैसला आया, तो हम बीजेपी को प्रायोरिटी देंगे और किसी को तो देंगे नहीं। आप मानते हैं कि बीजेपी के हाथ की वजह से राम मंदिर बना? हाँ, उसका चुनाव में असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। एक प्रियंका गांधी, उनको जानती हैं? कौन है प्रियंका गांधी? कांग्रेस की नेता है। हां मैं कांग्रेस, प्रियंका गांधी को आप जानती हैं? वो कांग्रेस से हैं, वो कह रही हैं कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो महिलाओं की बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि पूरे इलेक्शन में 50% विधायक के जो सीट हैं महिलाओं के लिए मैं आरक्षित करूँगी, तो विशेषकर महिलाओं की बात कर रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा है कि उनको सीट देने की वजह से महिलाओं को कुछ भी प्रॉफिट होने वाला है। नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब वो 50% देंगी तो ऐसा थोड़ी कि बहुत सारे लोग अपने फैमिली में पॉलिटिशियंस में जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं लेडीज़ों के। हाँ। तो मतलब लेडीज़ों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो तो उनको उसमें उनको छूट देना चाहिए, वो बोलना चाहिए तो उनको ना। आप चाहती हैं कि लेडीज़ों को नेता में आना चाहिए, नेता बनना चाहिए, राजनीति बनना चाहिए, पसंद करते हैं आप? हाँ क्यों नहीं, बनना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत लोग, सब फैमिली अलाउ नहीं करती है कि मेरे घर की लेडीजें जाएं पॉलिटिशियंस में। आपका व्यक्तिगत क्या सोच है, आपके घर वाले क्या सोचते हैं? हमारे, मैं तो पॉलिटिशियन में इतने इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ। तो आपसे भी बात करते हैं, यहाँ पर और लोग हैं, भगिए मत, इधर आ जाइए, अच्छा आ जाइए, आप आ जाइए। अच्छा क्या नाम है आपका? नेहा जायसवाल नाम है। जायसवाल जी, क्या लग रहा है आपको, जो वर्तमान सरकार है लड़कियों के लिए कुछ काम कर रही है? क्यों नहीं, बहुत कुछ कर रही है लड़कियों के लिए। पहले भर्ती लड़कियों के लिए नहीं था, 2016 से स्टार्ट हो गया, आर्मी में भी, जीडी में भी बहुत मदद मिल रहा है, कटअप भी बहुत अच्छा जा रहा है जीडी का। तो सेना में जाना है क्या आपको? हाँ, तैयारी बन गई है जी सर। तो यहाँ पे आप लोग दौड़ने आती हैं, सुविधाएं मिलती हैं? नहीं, सुविधाएं तो नहीं मिलती हैं। हाँ, कैसे तैयारी होंगी? बस अपने से हम लोग खुद तैयारी करते हैं। तो सेना की भर्ती निकल रही है, कुछ लड़के कह रहे हैं भर्ती बंद हो गई है, सरकार ने रोक रखा है। नहीं, अभी तो जल्दी का पेपर हुआ है जीडी का, सरकार लड़कियों की भर्ती चल रही है। हाँ, लड़कियों का पेपर हुआ है जीडी का, लड़कों लोग का भी हुआ है। अच्छा, तो वो तो केंद्र सरकार की हो गई बात, हम लोग यूपी की बात कर रहे हैं, जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, उनकी सरकार को लेकर क्या सोचे हैं, और उन्होंने कुछ काम करवाया जहाँ आप मऊ में आती हैं, मऊ में सुविधाएँ कैसे लगती हैं?
ठीक ही है, उतना कुछ खास नहीं है। सरकार की वजह से रोड अच्छा मिल रहा है, सबको घर भी मिल रहा है रहने के लिए। रोड अच्छे हैं मऊ में? हाँ, घर भी सबको मिल रहा है, वरना कोई सरकार किसी को घर नहीं दिया था, उनकी वजह से सबको छत मिल गया है। अच्छा, तो विशेष करके आते हैं महिला सुरक्षा की बात करती हैं, ये सरकार कर रही है कि हमारे सरकार में महिलाएं खूब सुरक्षित हैं, आप लोगों क्या लगता है? क्या ये तो सुरक्षित और ना सुरक्षित सब बराबर की बात है, कोई विशेष नहीं, नहीं। लड़के पसंद करते हैं? अब वो तो जहाँ रहेंगे वहाँ तो करवे करेंगे लोग। क्या क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? मतलब ये कह रहे हैं कि लड़कियों की प्रोटेक्शन उनके ऊपर डिपेंड करती है, अब लड़कियां आराम से चल रही हैं, लड़के कमेंट पास करें कुछ भी बोले तो उसमें लड़कियों की तो गलती नहीं दी जा सकती है ना, कि लड़कियां अपनी वजह से लड़कों के ऊपर कमेंट पास कर रही हैं। आप जा रही हैं, कोई ऐसा जाता है, कोई आपके साथ दुर्घटना होती है, पुलिस काल सहायता लेती है तो कुछ सहायता मिलती है? हाँ जरूर मिलती है, बहुत मिलती है। जैसे कि मतलब एक नॉर्मल से मैं बात बता रही हूँ, जैसे मैं बी ए फर्स्ट ईयर में गई थी एग्जाम देने तो मेरा फोन बैग गुम हो गया था, तो मुझको पुलिस के थ्रू तो सारा मेरा सामान मिला। अच्छा, तो फिर ऐसे कैसे नहीं कहें कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देती है? अच्छा, मतलब ये है कि नॉलेज की कमी होती है तो लोग प्रोटेक्शन लेना नहीं जानते हैं कि हमें पुलिस से प्रोटेक्शन लेना कैसे है। ये तो आपने कहा, जाहिर सी बात है प्रक्रिया सबको पता होना चाहिए। मान लीजिए हम विशेषकर महिला सुरक्षा की बात करें, क्या आप लगता है कि सरकार में महिलाओं के साथ जो कृत्य होते हैं वो सब बढ़िया है, कुछ कमी आएगी? हाँ, अभी इस राज्य में तो हमको लग रहा है कि बहुत सारे मतलब महिलाओं में ये जैसे रेप जैसे केसेस आते हैं तो बहुत कम आए हैं बीजेपी के राज में, और जो हुए थे और महिलाओं के लिए वो बहुत सारा ऐसे डिपार्टमेंट भी चलाई है, नंबर भी है, तो फिर उसकी वजह से इस टाइम केसेस भी बहुत कम आ रहे हैं महिला की दुर्घटना के लिए। अच्छा, विशेष बात करते हैं हम यूपी में, योगी आदित्यनाथ हैं, अखिलेश यादव हैं सपा से और बसपा से मायावती हैं और एक आध पार्टी आ रही हैं, तो किस नेता को आप पसंद करते हैं? आप योगी अखिलेश यादव कैसे हैं? अब ठीक ही है, मतलब उनके टाइम काम में उनका प्रशासन सही नहीं लगता है, वो जैसे नकल को ज़्यादा प्योरिटी देते हैं एजुकेशन लेवल में, स्टूडेंटों को वो नकल करा के पास कराते हैं, तो नकल कराने का तो हमें कोई मतलब नहीं लगता है, वो नकल करा के बच्चों को तो पास करा देंगे लेकिन वो इंट्रेंस एग्जाम देने में उनको कितनी परेशानी होती है वो ये नहीं सोचते हैं, बस मेरिट बढ़ा देते हैं, अब मेरिट बढ़ाने से तो कोई पास होकर जॉब नहीं पा पाएगा। हम लोग यहाँ पे आते हैं जो वोट पड़ता है जातिवाद पे पड़ता है या कुछ काम पे लोग देख के देते हैं? नहीं, जातिवाद पे तो वोट नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ बहुत सारे जैसे यादव लोग हैं ये लोग जातिवाद पे वोट देते हैं। आप किस जात से हैं? मैं तो जर्नल की हूँ, बट मुझे कोई ऐसे जातिवाद वाले भावना नहीं है मेरे अंदर। अच्छा, नहीं है? नहीं, लेकिन लोग कहते हैं जो बीजेपी के हैं तो जाते सामान्य लोग बीजेपी को वोट देते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि यादव लोग यादव को ही वोट देंगे, बाबू साहब लोग ऐसी कोई बात नहीं है कि बाबू साहब को ही वोट देंगे, भाजपा को देंगे तय है ना? हाँ ये तो तय है। हाँ, देखिए यही है पूर्वांचल का मोड, क्योंकि आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा राय है। हाँ। मैं यही की रहने वाली हूँ अफसर कॉलोनी की जी। तो क्या लगता है इस सरकार में? मैं एक ही चीज कहूंगी, कोई भी सरकार ना गलत होती ना अच्छी, बस सबका कार्य करने का तरीका अलग होता है। जैसे भाजपा में एक चीज मिल गई कि किसी भी जात बिरादर देख के आपको ना भर्ती दी जा रही है ना कॉलेज में एडमिशन, लेकिन वही अखिलेश के राज में हमें दिया जाता था आप यादव हैं ठीक है आपको इतना आरक्षण, आप भूमिहार हैं तो आपको इतना आरक्षण, वो गलत था। वो पॉइंट था कि उनके हटने का वजह था, और उनके अब जो मोदी सरकार है उनके आने की वजह भी यही रहेगी, क्योंकि कार्य प्रगति मैं बोल रही हूँ कि मैं लिख चुकी हूँ कि हाँ मुझे आगे लाइफ में इतना कुछ करना है, मैं की नहीं, इसका कोई मतलब नहीं निकला। सारे टेंडर पास किए कांग्रेस ने, भले वो पैसा वो खा गए, अब लेकिन उस पर काम हो रहा है बीजेपी में, इसी वजह से बीजेपी का नाम है और कांग्रेस पीछे चली गई है। तो मैं किसी भी सरकार के साथ नहीं हूँ, हाँ जो हमें प्रोटेक्शन दे, जो हमें हर चीज़ में, अब इस फील्ड में कहा जाए कुछ नहीं है, लेकिन कुछ बड़े सीनियर ऐसे हैं जो हमें गाइड कर देते हैं, तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगी। अब उनको तो हमारे तो सरकार का तो ये दायित्व बनता है, गवर्नमेंट का दायित्व है, लोक कल्याणकारी सरकार है कि यहाँ पे स्टेडियम में सुविधाएं दें, बच्चे खेलें, विकास करें जी। इसमें असफल मानती हैं बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ? जी बिल्कुल, बैनर लगवाने से और अपने नारे लगवाने से कोई भी गवर्नमेंट आगे नहीं जाती है। अभी दो दिन पहले की बात है, आपने जैसे कि एक लड़की की सुरक्षा की बात में कही, तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगी 12 साल की लड़की खुद की क्या सुरक्षा कर सकती है, उसको क्या पता कि क्या पुलिस होती है और क्या गवर्नमेंट। उसके साथ यहाँ रेप हुआ था, उस पर ठीक है जिसने किया वो पकड़ा गया, मैं मानती हूँ, लेकिन जो उसने किया उसकी सज़ा ये नहीं थी कि वो जेल में जाए, उसकी सज़ा ये थी कि वहीं उसका डी एंड हो, उसकी कहानी ख़त्म हो। उसने जो किया उस पर उसको फांसी नहीं, सबके सामने उसको मार डालना चाहिए था, एनकाउंटर कर देना चाहिए था जिससे और भी लोग डरते। तो महिला सुरक्षा कहीं ना कहीं अभी भी उस लेवल पे नहीं है जो हमें चाहिए। तो आपने सही कहा एनकाउंटर कर, लेकिन उसका आरोप तय हो जाए ना, कि अभी तो देखिए पुलिस का आरोप तय हो चुका है, लेकिन वो रखे हुए कस्टडी में कि अभी इन्होंने आगे कौन कौन से और अपराध किए वो जानने के बाद।
तो ये आपने बात सही किया, लेकिन आप ये भी देखती होंगे कि जब पुलिस अपनी मनमानी पे आती है तो अपनी पुलिस छवि सुधारने के दूसरे को गिरफ्तार कर सकती है, तो एक उसी लिए तो न्यायालय बना है। तो आप न्यायालय को नहीं मानती हैं? ये ऐसे अगर तत्काल कार्रवाई हो तो पुलिस अपने अच्छे के लिए किसी को भी फंसा सकती है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगी कि कोरोना के तहत जो मास्क पे और भी चीज़ों पे चार्ज लग रहे थे, जिसको हम यूँ कह दें कि उसको जो भी बोलते हो मेरे दिमाग फाइन, हाँ फाइन, वो फाइन उनके मन के हिसाब से था। आप मेरे सामने की बात है, कुछ बुजुर्ग इंसान वो हेलमेट उतारे और वो सामान लेने जा रहे थे और उनका उन्होंने वहाँ चार्ज ले लिया, फाइन ले लिया। मैं पूछ रही हूँ हम हेलमेट लगा के सामने कैसे सामान मांगे? तो वो मन एक हो गया ना कि हम अपने मन के मुताबिक काम कर रहे हैं, हम ना सरकार को देख रहे हैं, ना हम अपनी जो पोजीशन उसको देख रहे हैं, ना छूट को देख रहे हैं कि हमें किस चीज़ की छूट है। इसीलिए पूरा न्यायालय प्रणाली होती है, तो तत्काल किसी को सजा देना, मान लीजिए वो गलत किया तो गलत तय हो जाए वो किया, इसीलिए तो पूरा न्यायालय बना है। मैं एक बात पूछना चाहूँगी, आज तक जितने भी रेप केस हैं मुझे तो नहीं लगता कि किसी को उचित दंड मिला। अभी दिल्ली में कांड हुआ, सबको फांसी हो गई, कितने टाइम बाद हुई? आप निर्भया केस को ले लीजिए, उसमें कितने टाइम बाद वो माता पिता जब झेल लिए उसके बाद क्या वो डिसीजन 10 दिन 5 दिन या हफ्ते दिन में नहीं आ सकता था? आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था। अब सारे मुकदमे तो हमें पता ही थे, सारे गवाह हमारे सामने थे, हर एक चीज़ था, लेकिन हम लेट क्यों कर रहे हैं? सोचिए उन माता पिता के ऊपर क्या बीती होगी। अब वो 12 साल की जो लड़की का कांड है उसको सुन के तो हम कहते हैं हम स्टेडियम आना छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी अनकंफर्टेबल हो जाएंगी कि हमारी बेटियां नहीं जाएंगी। और इसमें ट्रेनर नहीं है, अब बताइए ट्रेनर नहीं है, कोई लड़का मुझे कोई कमेंट करता है, मैं इस डर के वजह से नहीं बोलूँगी कि यहाँ मैं खुद के मर्जी से आती हूँ, लेकिन अगर मेरा कोच है, ट्रेनर है, तो मैं सही कहूँगी मुझे यहाँ ये चीज़ नहीं अच्छी लगी सर, इसको समझाइए। तो एक गार्जियन के रूप में या एक टीचर के रूप में उसे समझाएगा? तो अभी मऊ में बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है। हाँ यही बात, किसी भी सरकार, तो मैं किसी सरकार को सपोर्ट नहीं करूँगी, उनसे एक ही चीज़ कहूँगी कि आप हमें प्रोटेक्शन दीजिए, सुरक्षा दीजिए, सुविधाएं दीजिए। मोदी सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अब मैं मानती हूँ कि जनरल वाले बहुत, मतलब एक मैं जनरल हूँ तो मैं जानती हूँ कि मेरा कॉम्पिटिशन लेवल ऐसा है कि कुछ मिलना बहुत अपने आप में बड़ी बात है। कोई भी छूट अगर हम बोलते हैं हमारे लिए है, तो यहाँ तक कि फॉर्म देने वाला कहता है आप जनरल से हैं, आप क्यों भर रही हैं, आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल सकता भाई, हम लड़की हैं, जनरल बाद में, पहले तो हम एक इंसान है ना। इसके नाते मैं यही कहूँगी कि योगी जी हों या मोदी जी हों, वो जनरल वाले के लिए भी सोचें, वोट देने जाएंगे इस बार जाहिर सी बात, बड़े बौद्धिकतापूर्वक बात कर रही हैं, क्या सोच के वोट करेंगे? जी मैं पहली बात तो ये है कि मैं वोट देने जाऊं या ना जाऊं वो अलग मैटर है, लेकिन अगर चली गई तो मैं यही पहले तो ये सोचूंगी कि मैं दूं किसे, और अगर सबके कार्य को रखूं कि कौन क्या मेरे लिए किया है, तो मैं बीजेपी को दे भी दी, क्योंकि अखिलेश सरकार में हम लोग को एक दिक्कत हो गई थी, इसमें तो थोड़ा नौकरी वोकरी और पढ़ाई को लेके हम कहीं ना कहीं खींच के निकल जा रहे हैं, उसमें ये हो गया था यदुवंशियों को ये है, भूमियारों को ये है और पंडितों को ये है, इसमें भी थप्पा लग गया कि बाबू साहब लोग सरकार है। नहीं तो ये तो गलत है, हम कह रहे हैं अगर हमको जबरदस्ती कहा जा रहा है हम चोर हैं, तो हम कितना कहेंगे कि हम सहा है, ठीक है हम चोरी से। अखिलेश यादव में भी कहा था यादव जबरदस्ती तमगा, तो वो जबरदस्ती तमगा नहीं लगा था। आप बताइए अगर हम बता रहे हैं अखिलेश सरकार में जब वो लैपटॉप बटा, तो मैं उस टाइम ये कहूँगी वो किसी को देखे नहीं थे, सबको दिए थे, सामान्य कास्ट को भी मिला था, लेकिन यादव लोग में ज्यादा मिल गया था। आपको पता है बच्चे ज्यादा रहे होंगे ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है मान लीजिए वो मान लीजिए। अखिलेश सरकार में एक और चीज हुआ था, ऐसी लिस्ट आप अखिलेश सरकार की लिस्ट उठा के देख लीजिए, पुलिस से लेकर दरोगा तक यादव इतने बड़े पड़े थे, मैं पूछ रही हूँ उस टाइम पंडित भूमियार कहाँ गए थे? वैसा तो नहीं होगा कि भर्ती नहीं भर मतलब रहे होंगे। अखिलेश यादव में एक आपको जातिवाद की कमी दिखती हाँ, है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी मैं उनसे यही कहूंगी कि आप कार्य को लिखिए नहीं, कार्य को करके दिखाइए, क्योंकि मोदी सरकार आपके ही कार्य पे ऊंची क्यों बनी, क्योंकि उसने किया लिखा नहीं, तो किताबें बनाना बंद करके सोच को उन्होंने आगे कर दिया जी, किताबें बनाना बंद करिए, अगर कुछ करना है तो रियल में करके दिखाइए। और लड़कियों की सुविधाएं की बात है तो मैं मोदी सरकार से भी ये एक ऑब्जेक्शन रखती हूँ कि अभी भी यूपी में बहुत ऐसे केसेस हैं, अगर यूपी अच्छा होता, उसका स्तर अच्छा होता, तो यहाँ से बच्चे इलाहाबाद, लखनऊ या उसके आगे पढ़ने नहीं जाते। यहाँ सुविधाएं होती है एजुकेशन। अच्छा हम बात करते हैं मऊ पे, मऊ में एजुकेशन की क्या व्यवस्था लगती है आपको, मऊ के नेता कैसे आपको लगते हैं, क्योंकि नेता यहीं के चुने जाते हैं? यहाँ का सबसे मशहूर अगर कॉलेज कहा जाए तो राम स्वरूप भारती है और जीवन राम है, उन मान लीजिए डीसीएस के तो हाई लेवल के हो गए, ये अभी 12th तक का ले लीजिए, पहले ये मशहूर था, लेकिन आज आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इतना डर लग के पढ़ते हैं कि टीचर डरता है बच्चा नहीं। तो आप इससे सोच लीजिए कि क्या मोदी ने किया है और क्या अखिलेश ने। क्यों डरते हैं टीचर?
सीधी सी बात है, आप हमको एक थप्पड़ छुए बाहर आपका हाथ पैर बचेगा कि नहीं, हम नहीं जानते। लड़के मार देते टीचर को जी, पीट पाट देते। तो आप सोचिए ये यूपी का स्तर है, लेकिन अगर इस पर हम वर्क करते, काम करते थोड़ा, मैं मानती हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा डर रखती बच्चों को, ना सरकार का डर है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ हो गया है, हम आज जेल गए 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, आज भी मोदी जी के राज में भी वो जेल से 2 घंटे बाद निकल जाता है। योगी जी के राज है यूपी में, योगी जी बात करिए, यहाँ के जो सरकारी एडेड स्कूल हैं जैसे डीएवी वगैरह, वहाँ पढ़ाई होती है जी? अब ये मान के चलिए ना कि हमारा स्तर कितना भी गिरेगा, लेकिन इतना नहीं गिर जाएगा कि हम शून्य पे आके अटक जाएं। तो वो लोग कितना भी ख़राब करेंगे, लेकिन जो लोग, अब तो मैं एक चीज़ कहूँगी, ये जो टेट सुपर टेट निकल गया, इससे हमें और भी अच्छे टीचर मिल रहे हैं, तो उनका स्तर कभी नहीं गिर सकता जी, तो उनका स्तर तो नहीं गिर पाएगा। सरकारी के लिए सही है, लेकिन हाँ प्राइवेटों के लिए तो मैं यही कहूँगी, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं मुझे लगता है, और फीस बढ़ रही है, आम इंसान एजुकेशन दूर हो जाए, इसलिए सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हम बात करते हैं मऊ में, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं, आपको पता होगा, एक मुख्तार अंसारी हैं, जानती हैं मुख्तार अंसारी को? बहुत क्लोजली तो नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि पहले उन काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई, चर्चा का विषय वो थे भी, क्योंकि नाम जितना बड़ा है उतना बड़ा बड़ा उनका कांड है, कर्म तो नहीं कहूँगी। जैसे जैसे कांड, अब जैसे कुछ टाइम 2004 में सुना गया था कि उन्होंने पुल के नीचे कुछ बस्ती वालों को उजाड़ दिया था, अब किस कारण मुझे नहीं पता, मैं बच्ची थी। और 2021 में भी सुना था मुख्तार अंसारी के फैमिली में कोई अंदर है, केस है, वो मर जाएंगे, एनकाउंटर हो जाएगा यूपी में, जेल में बैठ के उनका इतना दबदबा है कि वो हर साल अपना यहाँ बनाते हैं, पॉलिटिक्स बहुत अच्छे हैं, ये वो, तो मैं यही कहूँगी कि वो ये जानने के बावजूद भी कि जिसका बैकग्राउंड इतना अच्छा है वो हमारा नेता है, अब सोचिए यूपी कितना आगे है। अच्छा, तो मऊ में उनके बारे में लोग कहते हैं बाहुबली हैं, अरे कहा क्या जाता है, अगर उनकी गाड़ी निकलती है तो डीएम तक को कहा जाएगा थोड़ा घिसक जाइए, तो उनका स्तर देखिए, लेकिन उनका बैकग्राउंड, हम पुलिस में डिफेंस की बात करते हैं, हम आर्मी में जाते हैं या हम एयरफोर्स में जाते हैं, हमारा बैकग्राउंड, अगर मेरा भाई पीने वाला है तो हम छाट दिए जाते हैं, आपको नहीं लगता हमारे नेता में भी ये देखना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है? और उनका बैकग्राउंड अगर चेक होता तो हमारे नेता कभी नहीं बनते, और ना उनके अंदर बनने की ऐसी कोई गुण भी नहीं है। तो जनता तो चुनती है, जनता क्यों चुनती है हमारा, हम ही आप लोगों ने 5 बार व्यक्ति को बताया। आप सुने होंगे कि गाँव में ही नहीं, शहरों में भी मैंने देखा है, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो यूपी में यही बहुत अभी चल रहा है। तो मुख्तार अंसारी पैसे से बल पे जीतते हैं क्या आपको लगता है? मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर आम इंसान जीत सकता है तो आज तक उनका कॉम्पिटिटर यहाँ जिंदा नहीं रहा है। अच्छा जी, यहाँ का उनका कॉम्पिटिटर रहा ही नहीं है कोई, उनके या तो उनके लेवल का कॉम्पिटिटर नहीं आया या तो उनसे हल्का पड़ा। हाँ। अच्छा ये होता है, ये उनका 5 बार विधायक है, काम कुछ दिखा आप लोगों को? कुछ एक ही काम दिखा, पहले राज में गुंडागर्दी ज्यादा हुई, दूसरे राज में स्कॉर्पियो व्हाइट दिखने लगी, तीसरे बार में लड़कियाँ कितनी कम्फर्टेबल थी, आप मऊ में देखे होंगे, पता नहीं इसके, अब नगर पालिका का काम देखेंगे ना, नाली बनी तो है चालू नहीं है, पटिया लगा तो है लेकिन बंद नहीं है, झाड़ू लगता तो है लेकिन साल में एक बार, यहाँ जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं यहाँ झाड़ू लगाएंगे उनको तनख्वाही नहीं मिलती होगी, लेकिन उनको त्योहारी चाहिए, क्यों चाहिए भाई? आप जैसे जी, आपको तो सरकार दे रहा है, हम तो प्राइवेट वाले, हम तो जी खा रहे हैं, सफाई नहीं करते हैं जी, नहीं मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रही हूँ कि स्टेडियम साफ करने वाला जो होगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे नहीं लगता कि इस स्टेडियम में कोई कभी झांकने आया कि यहाँ क्या चल रहा है नेता लोग जी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के और 3 विधायक हम मऊ में, जानती होंगी, वो कुछ काम करते हैं आप लोग का? पहली बात तो अभी जल्द ही मैं आपके जो भी नेता वेता हैं, मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहती हूँ, लेकिन मैं सबको बोल रही हूँ, यहाँ आज तक किसी ने इतना अच्छा काम नहीं किया, मैं कल्पना राय को छोड़ के कहूँगी, उन्होंने ही ये सब है, उन्होंने, उनका ये देन है कि रोज गार्डन मिला हमें, ये स्टेडियम मिला, वरना ये पैर रखने की भी जमीन नहीं होती। नेताओं से क्या करना चाहेंगे वो बता दीजिए। मैं यही इन नेता से कहूँगी, आपके घर माँ बेटी बहन सब होंगी, थोड़ी सी लड़कियों की इज्जत करा दीजिए, और जो आपको काम सौंपा गया जिसके लिए आप चुने गए हैं आप काम करिए, फिर आपको वोट लेने के लिए ना पैसे की ज़रूरत है ना किसी और मदद की ज़रूरत है। मान लीजिए भविष्य में आपको नेता बनना पड़ा, विधायक बनना पड़ेगा, तो क्या प्राथमिकता आपकी होगी? मेरी प्राथमिकता यही होगी कि मैं लोगों के साथ बैठ के पहले उनकी मानसिकता जानूं, वो क्या सोचते हैं, उनको क्या बदलाव चाहिए, वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करके मुझे बनाए हैं, और मैं बड़े गाड़ियों में नहीं नंगे पैर घूमूं ताकि उनके बीच में रह सकूं, उनको समझ सकूं,
ये मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। लास्ट सवाल, प्रियंका गांधी हैं, आ गई हैं यूपी की राजनीति में, कर रही हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? पूरी सीधी महिलाओं की बात ही कर रही हूँ जी। मैं उनसे यही कहूँगी आप लड़िए, बिल्कुल लड़िए, हम भी सपोर्ट करेंगे, आप लड़की हैं तो साथ देंगे। लेकिन लेकिन उसमें भी एक लेकिन है ना, हम भाजपा की तरह आपको सपोर्ट कर पाएंगे ना कांग्रेस की तरह। आप लड़की हैं तो मेरी तरह सोच के काम करके वोट लेंगी तब हम कर पाएंगे। काम के लिए जनता कुर्सी पे देगी तभी तो काम करेंगे। ठीक है, एक बार उनको भी कुर्सी दे दिया जाए, जैसे 5 साल ये बने मुख्तार अंसारी, वैसे एक बार उनको भी झेल लिया जाएगा। माली, आपके पापा भाजपा के हैं, ठीक है, उनको मोदी पसंद आ रहे हैं, आपको प्रियंका गांधी पसंद आ रही है, तो किसको वोट आप देंगे? मैं यही कहूंगी वो अपने लाइन में बिजी रहेंगे, हम अपने लाइन में, जो हमको सही लगा हम उसको वोट देंगे। तो ये है देखिए भारत का युवा और विशेष करके लड़की कितनी गहराई से पूरे राजनीति और विकास पे इन्होंने बात किया। तो जाहिर सी बात है इसी तरह के लोग सोच के आएंगे, युवा आगे आएंगे तो भारतीय राजनीति और हमारे समाज का विकास होगा और मऊ का विकास होगा। क्लोज।